हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो का पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, तभी आपकी ये वीडियो जो समझ में आने वाली है। आज की वीडियो में हम जो वाईफाई से लेकर प्रॉब्लम्स थी जियो फोन में, वो आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई भी आपका डाउट जो नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है जियो का फोन F320, जिसमें कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स थी क्या हम जो इसमें वाईफाई का ऑप्शन से कैसे लाएँ और कैसे हमें दिखेगा, कैसे इसमें कनेक्ट करना है। प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। तो आज की वीडियोस में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें वाईफाई का ऑप्शंस कैसे आता है, तो और कैसे उसको हम जो है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। तो सेटिंग्स में जैसे ही आप आओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी का। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन पूरी सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जब आपको फोन की सेटिंग्स में ऑप्शन वाईफाई का नहीं देखने मिलेगा तो उसको कैसे हम जो लेकर आएंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आप देखोगे तो सारी एप्लीकेशन से यहाँ पर अगर आप देख लोगे सेटिंग्स, तो यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपली बैक कर देना है, तो आपको सेटिंग्स से कोई भी मतलब नहीं है। तो इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने यहाँ पर जियो स्टोर में आना है। जियो स्टोर में आने के बाद आपको अगर वाईफाई अपने फ़ोन में लाना है तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख दो, आपको सामने गेम्स का एक पहला ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ, और जूम करने के बाद यहाँ पर आपको एक इंटरटेनमेंट का एक ऑप्शन आएगा। तो इंटरटेनमेंट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको साइड में आएगा सोशल का एक ऑप्शन, सोशल्स पे आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यूज़ का एक, मिल जाएगा यहाँ पर आपको यूटिलाइज का ऑप्शन। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। वो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दी गई है जियो स्विच के नाम से। तो जियो स्विच के नाम से यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दी गई है, आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको गेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये डाउनलोड जो है डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। करने के बाद आप इसको गो पे क्लिक करके इसको ओपन जो कर सकते हो। तो सिंपली हम आप इसको बैक कर देते हैं, बैक करने के बाद जो डाउनलोड जो हमने कर लिया, तो डाउनलोड करने के बाद आप नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जियो स्विच जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास आ चुकी है। आने के बाद आपको इसको ओपन जो कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दो या तीन स्टेप्स आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने जियो स्विच एप्लीकेशन डाउनलोड करा, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला मिल रहा है रिसीव का, और दूसरे ऑप्शन से मिल रहा है सेंड का, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से सेंड फाइल का। तो इसमें आपको क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो सेंड का एक ऑप्शन है और दूसरा रिसीव का। यानी कि आप यहाँ पर रिसीव वाले ऑप्शन पे जाओगे, जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी ऐप्स परमिशंस मांगेगा। तो यहाँ पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देख सकते हो लॉन्च वाईफाई सेटिंग्स पर आपको आना है, और यहाँ पर आने के बाद ये थोड़े से देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके वाईफाई की सेटिंग्स में जाएगा, और यहाँ पर आपको इसको ऑन पे कर देना है। तो ऑन पे जब कर दोगे तो ऑन पे होगा क्लिक किए, और यहाँ पर अवेलेबल नेटवर्क एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे कि आप जो किसी का भी नेटवर्क यहाँ पर जो देख सकते हो सर्चिंग पे करके। लेकिन ये सर्चिंग नहीं होगा, आपने कुछ लोगों ने ट्राई कर लिया होगा जो एक्सपर्ट है, तो ये सर्चिंग नहीं होगा। तो उसके मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप इसको जब बैक करते हो, तो बैक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग है और एक स्टार्टिंग रिसीविंग का एक ऑप्शन है, तो ये भी वर्क नहीं करता। आपको सिंपली बैग आ जाना है। बैग आने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है कि यहाँ पर यानी कि एंड्रॉइड स्मार्ट एंड्रॉइड फ़ोन सा, और यहाँ पर देख दो एप्पल आईफोन, और यहाँ पर आपको जियो फोन। तो यानी कि इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि क्या है। तो इसको सिंपली एक बार यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक रिसीव का एक सेंड का। यानी कि आपके पास कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है या आपके पास जियो का फ़ोन है, तो दोनों फ़ोन में आपको वाईफाई का ऑप्शंस ये इसलिए मिलता है कि आप इसमें नेट कनेक्ट करके चलाओ, इसलिए नहीं मिलता है। ये मिलता है कि आप कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़ किया होगा, जिसमें कि आपने सैरिड यूज़ किया होगा, शेयरमी यूज़ किया होगा, जिससे हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में को आराम से कोई भी फाइल भेज सकते हैं, मूवीज़ भेज सकते हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ फोटोज़ भेज सकते हैं। तो ये मतलब है इसमें यहाँ पर देख दो जियो स्विच का, क्योंकि इससे हम फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को सेंड करनी है तो सेंड पर क्लिक करना है, दूसरे बंदे को रिसीव पर क्लिक करना होगा। यानी कि अगर आप जियो फोन में करना चाहते हो, तो मैंने अभी दिखाया आपको, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं जियो फोन का, देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉइड फ़ोन का। एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको एंड्रॉइड फ़ोन में जियो स्विच एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जब डाउनलोड करोगे तो सेम फीचर्स आएगा यही, उसमें आपको इसमें सेंड करोगे तो उसमें आपको रिसीव करना है, अगर आप उसमें रिसीव करोगे तो इसमें आपको सेंड पे क्लिक करना है। दोनों करने के बाद आप इसमें जो फाइल जो यहाँ पर देख दो, मैं जैसे कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे क्लिक करता हूँ, अगर आपके पास जियो का जियो टू जियो से करना चाहते हो तो जियो पे क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं बैक वापस। तो यहाँ पर हम चलते हैं वापस, यहाँ पर मुझे करना है कोई भी फाइल सेंड, तो यहाँ पर आप मैं इस पर सेंड वाले पे क्लिक करूँगा। सेंड वाले पे क्लिक करने के बाद ये अपनी जो फाइल में ले आएगा वीडियोज़ फोटोज़ म्यूजिक और कॉन्टैक्ट। अगर आपकी कोई भी यहाँ पर जो फोटोज़ है वीडियोज़ है ऑडियोज़ पड़ी है तो आपको इस पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो कैमरे का ऑप्शन है वीडियो का, वीडियो पर जाओगे तो यहाँ पर कोई भी इस टाइम वीडियोज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जो रिसीव
रिसीव करके किसी को भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी हमें वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है। ये वाईफाई तभी कनेक्ट होता है क्योंकि फ़ोन की सेटिंग्स वाला ही वाईफाई जो है उसमें नेटवर्क से आप जो डाटा चला सकते हो, लेकिन आप इसमें जो डाटा नहीं चला पाओगे। ये मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था, उसमें आपने आधी वीडियोज़ देखी थी, आधी वीडियोज़ नहीं देखी थी जिसकी वजह से आपकी जो समझ में नहीं आया था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इससे आप जो फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सैरिट की जगह पर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और मैं आपको बात करूँ कि जियो फोन जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वो कल 10 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा, तो अब उसकी वीडियोस मिल जाएगी। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, जैसे भी जो भी होता है उसकी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। कैसे मिलना है, कहाँ से मिलना है, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो ये प्रॉब्लम से अगर यहाँ पर आप जो रिसीव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखते हो रिसीव पे आपको क्लिक करना है, और अगर आप दूसरे फ़ोन में अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, जियो का फोन है, तो आप इसमें रिसीव करोगे तो उसमें आपको सेंड करना होगा। सेंड करने बाद वो फ़ोन कौन सा है, एंड्रॉइड है या आईफोन है या आपको जियो फोन है। जियो फोन है तो आपको जियो फोन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या करना है। आपको दोनों फोन में पहले वाईफाई ब्लूटूथ को ओपन कर लेना है, टर्न ऑन ब्लूटूथ, फिर आपको विजिबल टू ऑल में जाना है, चेक सेंटर पे, कीप पे, एग्जिट द ऐप पे क्लिक करना है, फिर नोटिस व्हेन रिसीव कनेक्ट। तो इसमें सारी चीज़ें दिखाएगा जियो फोन से आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। ये यहाँ पर देख सकते हो एक तरीके से आपकी हेल्प करेगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन से आप जो कर रहे हो तो इस पर आपको टिक करना है। वाईफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक अवेलेबल ऑफ का नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो शो करेगा। ये तभी करेगा जब आप किसी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जियो स्विच को एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उससे कोई फाइल यहाँ पर आप सेंड कर रहे हो तो इसमें रिसीव का दिखाएगा। आप इस पर क्लिक करके जो है उसमें पेयर करके जा सकते हो, तो आप इससे फाइल ले सकते हो, किसी को भी ऑडियो वीडियो फोटोज़ भेज सकते हो। तो ये था कि इससे आप नेट नहीं चला पाओगे, वाईफाई का ऑप्शन आता है, दिखाता है ये वाईफाई जब हम किसी को शेयर करते हैं तब वाईफाई का ऑप्शन जो है अवेलेबल होता है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पर प्रेस कर देना, ऐसी ही लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। और जो जियो फोन नेक्स्ट है उसमें ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाएंगी। प्राइस को लेकर के उसमें कन्फ्यूजन चल रहा है, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसका प्राइस जो 500 रुपये आने वाला है, लेकिन 500 रुपये नहीं आएगा, उसका प्राइस जो है वो 2000 के पार ही जाएगा, क्योंकि एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन आने वाला है जियो का और काफ़ी अच्छा है। वो कैसे मिलेगा उसके ऊपर मैं वीडियोस बना दूंगा, तो वीडियो जाकर के देख लेना, कम्प्लीटली फुल वीडियोस मिल जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपका जो है वाईफाई से कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, डीपली में मैसेज में समझा दूंगा अच्छे से।